आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन भाग 5 यूपी टेट 2017 के पेपर का हम अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कमेंट्स आए थे आप लोगों के कि जो मतलब रूल्स हैं उसके इंग्लिश में रूल्स वगैरह व्याकरण के जो रूल्स हैं उनको ग्रामर के रूल्स बताइए करके। तो मैं उससे कहना चाहूंगा कि हालांकि मैं उसका इसके बाद थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो मेन मेन है हल्के फुल्के रूल्स जो आते हैं पेपर में वो जरूर बता दूंगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए डिटेल्स के लिए ऐसा है कि अभी इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम उसकी डिटेलिंग करें। ठीक है, इससे अच्छा ये हुआ कि जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना, क्योंकि 1 मंथ बचा है लगभग और किसी का एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट्स होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस सेट से बहुत हेल्प मिल जाती है। और दूसरा यह है कि उसके डिटेलिंग के लिए मैं अभी अपना सेटअप कर रहा हूँ उसको, थोड़ा चैनल को, और अच्छा इस तरह से अगर आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि चैनल बढ़े, ग्रोथ करे, तो मैं मतलब नेक्स्ट ईयर में एक सेटअप भी लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ताकि आपको मैं लाइव जो है फिर अच्छे से बोर्ड पे जो है, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं कि अगर रूल्स बताना है या समझाना है तो वो बोर्ड में ज्यादा अच्छे से समझाया जाता है, तो मैं वो कोशिश करूंगा उसके बाद। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन। और ऐसा नहीं है कि मैं रूल्स इसमें नहीं बताऊंगा, मैं इसमें भी कुछ रूल्स जरूर आपको बताऊंगा जो मेन होंगे। ठीक है, तो आप उसका इंतजार करिए अगले वीडियो का। और जिनके पीछे के पहले के इससे पार्ट छूट गए हैं, ठीक है, पेडागोजी के, ठीक है, और जिनकी हिंदी छूट गई हो या इंग्लिश छूट गई हो या संस्कृत जिनका हो वो छूट गया हो, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें जो है आई बटन में भी दिए गए हैं। तो इसको शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसियां मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित हैं? तो फ्रेंड इसमें पूछ रहा है कि कौन सी जो एजेंसी है वो मेनली, ठीक है, मुख्य रूप से केवल प्रदूषण के मापन से, ठीक है, जो प्रदूषण को मापने का काम करती है, तो वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, द राइट आंसर इज दिस, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ठीक है, कोटोपैक्सी, तो आपको थोड़ा बहुत जो ज्योग्राफी भी देखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, और ज्योग्राफी के लिए आप नॉर्मली ल्यूसेंट का बुक में भी आप देख सकते हैं, ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक जो आती है, ठीक है, उसमें भी दिया रहता है, तो एक बार उसको मैं भी नजर मार लीजिएगा। तो यह है एंडीज, ठीक है, एंडीज में कोटोपैक्सी नामक जो है एक जागृत ज्वालामुखी, यानी कि जो लगातार विस्फोटन इसमें होता रहता है। ठीक है, सुप्त ज्वालामुखी वो होता है जिसमें काफी वर्षों बाद जो है ज्वालामुखी उठता है। ठीक है, और तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो तिब्बत की सांगपो नदी है, ठीक है, तिब्बत की है ये नदी, सांगपो, सांगपो नदी कहाँ की पूछेंगे, तिब्बत की है, और ये तिब्बत की नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, तो राइट आंसर इज थर्ड वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, यानी कि पारितंत्र की बात कर रहा है, इकोसिस्टम की बात कर रहा है, उसमें अगर जो घास, ठीक है, घास भूमि क्षेत्र की बात कर रहा है, ग्रासलैंड की बात कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश में कहें तो जो टॉप कंज्यूमर होते हैं, तो उच्च स्तर के कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर इन्हें कहते हैं। ठीक है, साइंस के दायरे से अच्छे समझ लेंगे, लेकिन मैं आर्ट्स वालों के लिए बता रहा हूँ कि उपभोक्ता, ठीक है, एक तो होता है उत्पादक, ठीक है, उत्पादक कौन होगा दोस्तों, उत्पादक कौन है, उत्पादक है पेड़ पौधे, ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उपभोक्ता है हम लोग, ठीक है, जो उनपे डिपेंडेंट है। अब कह रहा है कि जो घास भूमि है, ठीक है, ग्रासलैंड है, ठीक है, उसमें खाद्य श्रृंखला क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले खाद्य श्रृंखला को जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए, तो इससे आप सिंपल वे में आप लोगों को बता लूं कि जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए, कि खाद्य श्रृंखला में तो आपने समझेगा कि खाने की एक श्रृंखला है। ठीक है, जो इकोसिस्टम में या पारितंत्र की बात करें तो उसके क्षेत्र में कि छोटे से लेके बड़े स्तर तक होता है, यानी कि जैसे सबसे पहले उत्पादन करने वाले पौधे हो गए, ठीक है, फिर उनको खाने वाले जो उन पर डिपेंडेंट है केवल, जैसे कि ग्रास ऊपर, टिड्डा, ठीक है, और फिर उनको खाने वाले मेंढक उनको खाता है, तो वो द्वितीय स्तर का उपभोक्ता हो गया।
फिर जो मेढक को खाते हैं सांप वगैरह, वो तृतीय स्तर के हो गए, ठीक है। फिर इस तरह से इस तरह आगे को बढ़ता रहता है, ठीक है। अब इसमें बात कर रहा है कि ये किस उच्च स्तर के, ठीक है, सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होंगे। दोस्तों इसमें जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया, क्योंकि जो सबसे उच्च स्तर होगा, ठीक है, उसका होगा या तो मांसाहारी होंगे वो, या मांसाहारी होगा उसका, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि किस तरह से श्रृंखला चलती है, ठीक है। मान लीजिए ये एक मतलब डायग्राम में आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे समझने के लिए। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स आए, ठीक है। फिर आएंगे हर्बीवोर्स, ठीक है, जो प्लांट्स को खा रहे हैं। फिर आते हैं कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी। तो हर्बीवोर्स शाकाहारी को बोलते हैं, फिर कार्निवोर को। तो फिर टॉप में क्या आएगा यहाँ पे, कार्निवोर्स, ठीक है। तो ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, ठीक है। वायुमंडल के आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मेनली चार भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, पहले मीसोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर। यानी कि सबसे पहले आता है शोभ मंडल, ठीक है, जिसमें जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ठीक है, बारिश आना और बिजली चमकना, या जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं, जो भी नेचुरल यहाँ पे जो इंसिडेंट्स होते हैं वो शोभ मंडल में होते हैं। फिर उसके बाद आता है संताप मंडल, देन मध्य मंडल, और फिर सबसे बाद में आता है आयन मंडल। तो सही उत्तर है इसमें सबसे नजदीक का कौन सा हो गया, फोर्थ वन, सेकेंड वन, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ठीक है, जो यूएन सेक्रेटरी काउंसिल है उसमें कितने स्थायी सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हैं दोस्तों। तो ये सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। जो इकोसिस्टम में जो मेन ऊर्जा का स्रोत है, सबसे जरूरी जो ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में ही तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर वो अपना भोजन बनाएंगे तभी जाके हमें जो है अपना भोजन मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि तो जो मेन ऊर्जा का स्रोत हो गया वो सूर्य का प्रकाश है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, एगमार्क संबंध है, ठीक है, जो एगमार्क बोलते हैं, ए इसको इजीजी मत समझिएगा, एगमार्क ये होता है AGMAR के, ठीक है, AG, आप लोगों को पता भी होगा, MARK, ठीक है। जो एगमार्क होता है वो होता है गुणवत्ता से संबंधित होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। क्वालिटी से जो ISI मार्क वाले प्रोडक्ट कहते हैं ना, तो वो इस तरह का हमारे इंडिया में मार्क दिया जाता है, यानी कि ISI द्वारा प्रमाणित है, तो एक प्रकार का एगमार्क होता है वो, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, ठीक है। जो आर्सेनिक द्वारा जो सबसे ज्यादा जल प्रदूषण किया जाता है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, वो जगह का नाम पूछा है, तो वो है पश्चिम बंगाल में। तो ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, वन्य जीव सुरक्षा, ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा जो एक्ट था वो लागू किया था सन 1972 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को, ठीक है, दूध से दही बनना किस तरह की प्रक्रिया है, वो है किण्वन की, यानी कि फर्मेंटेशन द्वारा, ठीक है। जो दूध में मौजूद बैक्टीरियाज हैं वो उसमें दही, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो पाया जाता है दूध में, वो उसे लैक्टिस एसिड में बदल देता है, यानी कि दही बनाने में उसको फर्मेंट कर देता है, उसका किण्वन कर देता है, तो उसमें हेल्प करता है, इसलिए इस क्रिया को कहते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य है वो लिया गया है तुम्हारा USSR से, ठीक है। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि जो सोवियत संघ है,
उससे हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। और जो यूएसएसएसआर है इसका फुल फॉर्म होता है सोवियत यूनियन जो है, ये इसका फुल फॉर्म है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, कभी हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले, लेकिन ऐसा कम ही चांस आने का। तो यही क्वेश्चन आएगा कि मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं वो, तो उसमें हो सकता है कि इस तरह से नाम दिया जाए, सोवियत संघ लिख दे वो, तो सोवियत संघ से ही ले गए हैं, कई देशों को मिला के बना है तो उसमें से ही आया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा मतलब इसका कहने का मतलब है कि किस तारे को कहा जाता है, तो उत्तर दिशा में जो तारा है इसमें दिशाएं दी गई हैं, तो जो ध्रुव तारा पाया जाता है वो उत्तर दिशा में जाता है, तो उत्तरी तारे को ही कहा जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि ये पूछ ले कि ध्रुव तारा किस दिशा में पाया जाता है, तो उत्तर दिशा में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था भारत में, वो हुआ था 1973 में। काफी ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी, जी हाँ ये हमारे उत्तराखंड में ही है, तो दिस इज द राइट आंसर। वैली ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं इसको, देख लीजिएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स करके भी पूछा जाता है, कभी इंग्लिश में वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, और कभी कभी ऐसे ही पूछ भी लिया जाता है। अगला, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, वो 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि मुन्ना भाई फिल्म में बोलते भी हैं कि हम तो सर्किट कहते कि जब शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और हम तोड़ते समय सोचते नहीं है, तो इसलिए 206 हड्डियां होती हैं। और लेकिन ये पूछा गया उन्होंने एक वयस्क मानव में पूछा है दोस्तों, ठीक है, वयस्क मानव में तो पूछा है, लेकिन कभी-कभी एक जो नवजात शिशु है उस पे भी, जो जन्म बच्चा है उसमें कितनी होती है, तो उसमें लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो बाद में धीरे धीरे वो जुड़ती हैं, तो इसलिए 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशु में, तो ये भी याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आने वाले टाइम पे। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है एम्बेस्टर में, ठीक है, एम्स्टरडेम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान टेस का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है, तो जल का ऑक्सीकरण होता है, कभी भी देख लीजिएगा आप, जल का ऑक्सीकरण होता है और एनएडीपी का अपचयन होता है, इससे जो है एनर्जी मिलती है, तो जल का ऑक्सीकरण होता है और उससे ही ऑक्सीजन भी निकलती है दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान रखें, क्योंकि जो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, साइंस का तो पता होगा, जो अन्य विद्यार्थियों ने बता दो कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो क्यों निकलती है, किसके द्वारा द्वारा बाय प्रोडक्ट है, किसका उत्पाद है वो, तो कभी कभी तो कंफ्यूजन होता है कि वो कई लोग लिखते थे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है दोस्तों, वो है जल, H2O से ही ऑक्सीजन बनती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, ठीक है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, स्वच्छ ईंधन है बिल्कुल है, उच्च ऊष्मीय मान का है, ठीक है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, ठीक है, लेकिन यह मैथेन उत्सर्जित करता है, तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये तो गलत कहा गया, लेकिन क्वेश्चन में वही पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है, तो ये ही आंसर इसी में आपको टिक करना होगा, तो यही सही आंसर है, क्योंकि ये मीथेन गैस उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए काफी अच्छा ईंधन माना जाता है इसे, एलपीजी को। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी, तो ये आपको पता होगा पक्का, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा है आपका जो 23.5 डिग्री एस में, ठीक है, साउथ में है ये मकर रेखा, 23.5 अंश साउथ दक्षिण में, तो ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, ठीक है, द हेड ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात जहां पर हो रही है, ठीक है, और वो है हेग में, ठीक है, हेग एक देश है, उसके वहां पर ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको लूसन में मिल जाएंगे, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, ज्योग्राफिक से संबंधित और संविधान से संबंधित प्रश्न। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया राष्ट्रीय गान को, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला है,
पुष्कर मेला कहाँ आयोजित करता है? तो अजमेर में आयोजित किया जाता है। और पुष्कर मेले के बारे में बता दूं कि पुष्कर जो जगह है, ठीक है, वहां क्या होता है कि भगवान जो ब्रह्मा है उनका मंदिर है, एकमात्र मंदिर ब्रह्मा का जी का कहाँ है? पुष्कर में है, वो भी कभी भी पूछा जाता है। अगला है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ठीक है, जो पराबैंगनी किरणें हैं वैसे तो सभी हानिकारक होती हैं, अब कह रहा है कि अधिक, ठीक है, मोर डेंजरस की बात कर रहा है, तो वो होती है यूवी सी, अल्ट्रावायलेट सी, तो ये ज्यादा घातक होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक, यानी कि कौन सा घटक कह रहा है कि नॉट एन, तो कौन सा अजैविक घटक नहीं है, नॉन बायोटिक कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो प्रोटीन है, मृदा है, फास्फोरस है, कवक है, तो जो अजैविक यानी कि नॉन बायोटिक है उसमें ज्ञान नहीं होगी, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, ठीक है, आर्द्रता, वर्षा, ये सब चीजें प्रोटीन मृदा मतलब जो भी है ये नॉन बायोटिक कंपोनेंट मांगे, लेकिन कवक एक लिविंग है तो ये आता है बायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है। अगला प्रश्न है, गिर शेर परियोजना, ठीक है, गिर शेर परियोजना, गिर शेर परियोजना है आपका गुजरात में, ठीक है, तो आपको पता भी होगा कि गुजरात में सबसे ज्यादा क्या है, शेर पाए जाते हैं, ठीक है, और इसका जो अमिताभ बच्चन जी है वो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं वहाँ के पर्यटन विभाग के, तो बोलते हैं ना ये कुछ दिन गुजरात में बिताइए इस तरह से, ठीक है, तो गुजरात के वहां पर दिखाया जाता है, तो काफी ज्यादा जो एक गिर लाइन प्रोजेक्ट जो चला था, लायन प्रोजेक्ट गिर का, गिर शेर परियोजना, तो उससे जो है वहां के शेरों की संख्या काफी बढ़ी है उस प्रोजेक्ट की मदद से, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, WWF से क्या आशय है? ठीक है फ्रेंड्स, ये WWF वो नहीं है जो आप लोग बचपन में देखा करते थे, ठीक है, रेसलिंग से इसका कहीं भी रिलेटेड नहीं आएगा एनवायरमेंट में, तो ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, जो किस लिए होता है, जो पशु पशुओं को, ठीक है, एनिमल्स को, लाइफ को प्रोटेक्ट करने को उनकी, उसके लिए जो नियम वगैरह देता है, तो वो तो उसे कहते हैं या फंडिंग करता है उसके लिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से बोलते हैं WWF, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, द रिवर गंगा राइजेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, दिस इज द राइट आंसर, ओके। तो फ्रेंड्स ये थे एनवायरनमेंट के 30 क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछे गए थे 2017 में, और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए, और जो लोगों को पता नहीं है, जो आप लोग चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, उसको प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो, और कोई भी आपको किसी तरह का टॉपिक चाहिए हो मैं पढ़ाने के लिए तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, और आने वाले एग्जाम तक किसी तरह हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम की, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, इसी तरह साथ में बने रहिए, थैंक यू।